क्या आप जानना चाहते हो कि 2024 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा दिल्ली एनसीआर में बीबीए के कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिसमें आप सीयूईटी यूजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो? कैसा रहेगा अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए 12th में या सीयूईटी में मैथमेटिक्स आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं हो? क्या आप जानना चाहोगे इन कॉलेजेस का एडमिशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस पैकेजेस और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन बीबीए रिलेटेड क्या होंगी? ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके लिए भी फैसिनेटिंग है तो बीबीए फंडास पर संशोधन का आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है, बिकॉज दिस विल सर्व एज अ प्लेटफॉर्म टू गिव यू डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉप 5 बीबीए कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर अपार्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी टू टेक एडमिशन बीबीए थ्रू सीयूईटी यूजी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दृष्टि, मैं हूँ एमबीए ग्रेजुएट मार्केटिंग इन एचआर। मुझे 4 साल से ज्यादा कॉर्पोरेट वर्किंग एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे मैं आज आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। लिस्ट में फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। पे 3 साल बीबीए कोर्स के लिए आपके पास 63 सीट्स अवेलेबल होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीयूईटी में सेक्शन 1 इंग्लिश और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना रहता है, और 12th में 50% मिनिमम स्कोर जरूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, और 45% मिनिमम स्कोर चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस पर्सनल या कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स को। एस्टिमेटेड ट्यूशन फीस फॉर बीबीए वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2.97 लाख रुपीज, और पैकेज यहाँ पे जाता है बीबीए स्टूडेंट्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 to 6 lakh एन एनम। लिस्ट में सेकंड है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो आपको 3 से 4 साल का बीबीए कोर्स ऑफर करती है वाया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे बीबीए 182 सीट्स रहती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीयूईटी यूजी में आपको सेक्शन 1A इंग्लिश, जिसकी 25% वेटेज रहती है, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, जिसकी 75% वेटेज रहती है, अटेम्प्ट करना रहता है। 12th किसी रिकग्नाइज बोर्ड से आपने कंप्लीट करी होनी चाहिए विद 50% मिनिमम स्कोर अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो। 45% मिनिमम स्कोर इज नेसेसिटी इफ यू कम फ्रॉम ओबीसी या फिर डिफेंस पर्सनल स्टूडेंट अगर आप हो, और 40% मिनिमम स्कोर आपको चाहिए अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो। इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेगा एज अ कोर इलेक्टिव या फंक्शनल, एंड इट्स परसेंटेज वुड बी इवेल्यूएटेड एज वन ऑफ द बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स, जिसके बेसिस पर वो मेरिट 60% मार्क्स का कैलकुलेट होगा। प्लीज नोट दैट एनी स्टूडेंट हु हैज गॉट बैकलॉग या फिर कंपार्टमेंट है किसी भी सब्जेक्ट में, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। फीस की बात करें तो दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 3,31,000। प्लेसमेंट्स की बात करें तो आप प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप देखोगे कि रिक्रूटर्स भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं, और बहुत प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स जैसे टेक महिंद्रा, गोदरेज, डाबर, रिलायंस, ईवा जैसे ग्रुप्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट स्टेजेस टाइमलाइन जो होंगी उनके ड्यू टाइम पे वेबसाइट पे आपको विजिबल हो जाएंगे। जिसमें 3rd है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो आपको 3 साल का बीबीए कोर्स ऑफर करता है। अर्लियर इट यूज टू बी पार्ट ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इंफ्रेस यूनिवर्सिटी, और बहुत से स्टूडेंट्स नाम की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डीटीयू का पार्ट है। सो टुडे नीदर इट्स अ पार्ट ऑफ गुरु गोबिंद सिंह इंफ्रेस यूनिवर्सिटी, नीदर इट्स अ पार्ट ऑफ डीटीयू, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है एकदम। हाँ, एडमिशन काउंसलिंग इनकी डीटीयू के साथ हो जाती है। यहाँ पे बीबीए कोर्स के लिए सीट्स रहेंगी 75। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इट वुड बी एग्जैक्टली द सेम एज डीक्यू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, अगेन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, डीडू से कोई इसका मतलब नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीयूईटी में सेक्शन 1A इंग्लिश अटेम्प्ट आपको करना रहता है, और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना रहता है। 50% 12th में आपका स्कोर होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो। 5% रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप ओबीसी या डिफेंस बैकग्राउंड से आते हो। 40% मिनिमम स्कोर आपको होना चाहिए अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट हो। यहाँ पर भी 12th में इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेगा जब बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स का परसेंटेज कैलकुलेट होगा एज अ कोर इलेक्टिव या फिर फंक्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पे आपके पास स्पेशलाइजेशंस में फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में से चूज करने का ऑप्शन है। बीबीए कोर्स की टोटल फीस रहेगी अप्रॉक्सीमेटली 2,10,000 रुपीज। लिस्ट में 4th है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिटी ऑफ दिल्ली। दिस इज अ कॉलेजिएट पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी जो आपको 3 साल का बीबीए और बीएमएस कोर्स ऑफर करती है, और सीट्स रहेंगी 38 to 450। दैट विल कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द स्पेशलाइजेशन दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर। यहाँ पे मल्टीपल स्पेशलाइजेशन में से आप चूज कर सकते हो, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस मैनेजमेंट, फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ई कॉमर्स ऑपरेशंस, ऐसे ही बहुत सारी स्पेशलाइजेशन का लिस्ट आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर पाओगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीयूईटी में जनरल टेस्ट आपको देना रहता है। जो डोमेन सब्जेक्ट होता है उसमें आप बिजनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स में से चूज कर सकते हो। अब जहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स बोला है वो कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल रहता है, जो डिपेंड करेगा आप कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो उसके ऊपर। फीस की बात करें तो द रेंज वुड बी एनीवेयर बिटवीन 1 to 1.65 lakh रुपीज। तीन चीज़ें बेसिकली, आपकी सीट्स, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपकी फीस,
ये तीनों चीजें डिपेंड करेंगी आप कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर रहे हो उसके ऊपर। पैकेज फॉर बीबीए स्टूडेंट्स हियर वुड बी एनीवेयर बिटवीन 3 to 5 lakh एन आवर। फिफ्थ इज जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, 4 साल का बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपको ऑफर करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सीयूटी में जनरल टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना रहता है, 12th आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करी होनी चाहिए, इनकेस आप आईवी बोर्ड के स्टूडेंट हो इन दैट केस 3HL या 3SL पास इज रिक्वायर्ड। फीस की बात करें तो इट वुड बी ऑन अ हायर एंड, तो 5,50,000 पर ईयर आपकी फीस रहेगी। प्लेसमेंट पार्टनर्स इनके होते हैं द ओबेरॉय, द लीला, एकोर और जोमैटो जैसे रिप्यूटेबल ब्रांड्स जो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपको पता चला होगा कि मैथमेटिक्स के बिना भी CUET का एग्जाम अटेम्प्ट करके आप अच्छे रिप्यूटेबल कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो विद गुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। बीबीए फंडास बाय संस्थान को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। कोई भी अपने क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो उनको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना ताकि हम उनको एड्रेस करने के लिए ट्राई कर सकें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।